I'm in California where it never rains. You and I were fighting and I needed space. Every day is sunny. Hello दोस्तों, welcome back my YouTube channel. आज मैं इस वीडियो में GoPro Hero 9 Black का रिव्यू करने जा रहा हूं, जो कि हर एक यूट्यूबर का सपना होता है ये कैमरा लेने के लिए। इस वीडियो में इस एक्शन कैमरे के रेट के बारे में जानकारी मिलेगी, जो भारत में कितने रेट में मिलता है और अन्य देशों में अमेरिका, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कितने रेट का डिफरेंट है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, पहले मैं GoPro Hero 9 Black की कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूँ। हीरो 9 ब्लैक में दी जाने वाली फ्रंट माउंटेड एलसीडी स्क्रीन से ब्लॉगर और यूट्यूबर को आसानी होगी, जो अब तक प्रोफेशनल शूटिंग के लिए भारी भरकम कैमरे या फिर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते थे। इसे सिंगल हैंडेड इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह काफ़ी हल्का है, साथ ही इसमें पहले से बेहतर साउंड क्वालिटी दी गई है। मैं इस एक्शन कैमरे को लेने के लिए फ्लिपकार्ट, अमेजन, गूगल पर काफ़ी सर्च बाद नई दिल्ली के सामने ठीक चांदनी चौक कैमरा मार्केट है, वहाँ एक अमृतसर फोटो स्टोर शॉप पर गया, जहाँ मुझे काफ़ी कम दाम में और बेहतरीन क्वालिटी का कैमरा मुझे मिला। GoPro कंपनी ने हीरो 7 ब्लैक के बाद हीरो 8 ब्लैक और अब कंपनी ने हीरो 9 ब्लैक को पेश किया है, जो अब केवल एडवेंचर, आउटडोर और स्पोर्ट्स शूट तक ही सीमित नहीं रहा है। कंपनी ने अपने लेटेस्ट GoPro हीरो 9 एक्शन कैमरे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, जिससे GoPro कैमरे को मल्टीपर्पज यूज के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अगर GoPro Hero 9 Black में साउंड क्वालिटी की बात किया जाए, तो अब नए Hero 9 Black कैमरे में एक्सटर्नल माइक का इस्तेमाल ना किया जाए, उस स्थिति में काफ़ी क्लियर साउंड कैप्चर होता है। GoPro Hero Black 9 को स्क्वायर शेप डिजाइन में पेश किया गया है। इसका बाहरी हिस्सा मेटल का बना है, जबकि किनारों पर रबर फिनिश दी गई है। इसके फ्रंट में 1.4 इंच की कलर डिस्प्ले दी गई है, जिससे ब्लॉगर्स को काफ़ी आसानी हो जाएगी। हीरो 8 ब्लैक के मुकाबले 10% बड़ी और हैवी है। इसका डायमेंशन 71x55x33 mm है और वजन 158 ग्राम है। इसमें आपको दो बड़े फिजिकल बटन दिए गए हैं, जो लेफ्ट साइड और अप साइड में है, जिसे ऑपरेट करना काफ़ी सुविधाजनक है। वही रियर में 2.26 इंच की रियर टच स्क्रीन दी गई है। हालांकि टच रिस्पॉन्स रेट थोड़ा स्लो है, जैसे हम लोग एंड्रॉयड मोबाइल में टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है, वैसा इस एक्शन कैमरे में नहीं देखने को मिलेगा। इस टच स्क्रीन पर यूजर्स को बैटरी लाइफ, मेमोरी कार्ड स्पेस जैसी जानकारी मिलती है। ड्यूल डिस्प्ले के चलते हीरो 9 ब्लैक में बैटरी की खपत बढ़ जाती है। फ्रंट डिस्प्ले के चलते वीडियो शूट के वक्त देख पाएंगे कि आप फ्रेम में हैं या नहीं, साथ ही इसे वेबकैम की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस कैमरे में रिमूवेबल लेंस कवर का ऑप्शन दिया गया है। इसके दिए जाने की एक वजह यह भी हो सकती है क्योंकि कंपनी ने एक नया मैक्स लेंस मोड बनाया है, जिसे हीरो 9 ब्लैक में लगाया जा सकेगा। इससे सुपर वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलेगी। हीरो 9 ब्लैक को खास तरीके से डिजाइन किया गया है, जिससे यह कैमरा पानी के अंदर भी खराब नहीं होता है, जिससे चलते राफ्टिंग जैसे इवेंट के दौरान कैमरा खराब नहीं होगा। कंपनी के मुताबिक कैमरा 33 फीट यानी 10 मीटर गहरे पानी में खराब नहीं होता है। कैमरे कई सारे माउंट टूल के साथ आता है, जिसकी मदद से इसे हेलमेट, बाइक, कार या अन्य जगह पर लगा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हीरो 9 ब्लैक में हाई रेजोल्यूशन रेट ऑफर किया गया है। इसमें 23.6 एमपी का नया सेंसर दिया गया है, जो यूजर्स को 5K 30p वीडियो और 20 एमपी फोटोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही इसमें शानदार हाइपर स्मूथ स्टेबिलाइजेशन मोड दिया गया है, जो काफ़ी कमाल का है। अगर आप किसी दौड़ते हुए इंसान या जानवर का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो काफ़ी स्टिल वीडियो कैप्चर होता है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्टेबिलाइजेशन को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। स्लो मोशन वीडियो को 1080 पिक्सल रेजुलेशन और 240 फ्रेम पर सेकेंड पर रिकॉर्ड किया जा सकेगा। GoPro Hero 9 Black एक्शन कैमरे में डिस्प्ले मोड से लेकर मैक्स मोड दिया गया है। वहीं तीसरे मोड के तौर पर लाइट मोड होगा, जो एक बैटरी पावर्ड LED लाइट होगी, जबकि आखिरी मीडिया मोड होगी, जिसमें माइक्रोफोन HDMI वीडियो आउटपुट के साथ 3.5
5mm हेडफोन जैक का ऑप्शन मिलता है। इस कैमरे के इस्तेमाल के दौरान हीटिंग की समस्या का सामना करना पड़ा है। यह समस्या उस वक्त ज्यादा उभर कर सामने आती है जब आप 30 फ्रेम प्रति सेकंड पर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। एक्शन कैमरे के हाई फ्रेम रेट पर शूट करते वक्त कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जबकि 120 फ्रेम प्रति सेकंड पर 4K स्लो मोशन वीडियो को रिकॉर्ड करना बेहतर होता है। यह कैमरा विंड वाइड के कैंसिलेशन के साथ आता है, जो कि GoPro Hero 9 Black की वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इस एक्शन कैमरे से आप किसी फ्लैगशिप स्मार्टफोन की तरह फोटो नहीं कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद 20 मेगापिक्सल पर Hero 9 Black से क्लिक की गई फोटो काफी बेहतरीन रही है। वही 30 फ्रेम पर सेकंड पर 5K वीडियो रिकॉर्ड का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। 5K वीडियो रिकॉर्डिंग का Hero 9 Black कैमरे में दिए जाने वाला प्रोफेशनल फोटो और वीडियो बनाने वालों और ब्लॉगिंग और यूट्यूब वीडियो बनाने वालों के लिए किसी जादू से कम नहीं हो सकता है। हालांकि अगर आप Hero 9 Black से 5K वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपको इसके लिए अलग से बड़ा मेमोरी कार्ड खरीदना होगा, क्योंकि कंपनी की तरफ से दिए जाने वाला 32GB मेमोरी कार्ड नाकाफी होगा। दरअसल 5K वीडियो शूट करने के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत होता है। इस एक्शन कैमरे में 4K वीडियो को अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग फ्रेम रेट पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। GoPro Hero 9 Black में हाइपर स्मूथ 3.0 का सपोर्ट दिया गया है, जिससे काफी सेक फ्री वीडियो को कैप्चर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, GoPro Hero 9 Black में कनेक्टिविटी की बात किया जाए तो Hero 9 एक्शन कैमरा वाईफाई और ब्लूटूथ को सपोर्ट करता है, जिसकी मदद से कैमरे को स्मार्टफोन से कनेक्ट किया जा सकता है। इसके लिए मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर, अगर आपके पास एप्पल फोन है तो एप्पल स्टोर से GoPro ऐप को इंस्टॉल करना होगा। ऐप इंस्टॉल के बाद फोन पर ही एक्शन कैमरे की स्क्रीन को देखा जा सकेगा। साथ ही कैमरे को स्मार्टफोन से कमांड देकर भी चलाया जा सकता है, जिससे ब्लॉगर और यूट्यूबर को वीडियो रिकॉर्डिंग करने में आसानी हो जाती है। इस ऐप यूजर्स अपनी स्टोरी को सिंगल हैंडेड इस्तेमाल किया जा सकता है। Hero 9 Black में 1720 mAh की बैटरी दी गई है, जिसे फुल चार्ज करने के बाद आप 1.5 घंटे तक इस्तेमाल में कर सकते हैं। Hero 9 Black के साथ 1720 mAh की बैटरी ऑफर दी गई है, जो पिछले कैमरे के मुकाबले 40% ज्यादा बड़ी है। इससे पहले Hero 8 Black में 1220 mAh की बैटरी ऑफर की जाती है। GoPro Hero 9 के साथ बड़ी बैटरी दिए जाने के बावजूद भी Hero 9 Black के साथ बैटरी एक बड़ी समस्या है। अगर आपके पास दो बैटरी है, इसके बावजूद भी इसे लंबे आउटडोर शूटिंग के लिए इस्तेमाल में नहीं कर सकते हैं। साथ ही कैमरे की बैटरी चार्जिंग में अतिरिक्त समय लगता है। GoPro Hero 9 की एक बैटरी चार्ज करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शायद कंपनी अगले अपडेट में इस समस्या को दूर कर सके और बहुत जल्द ही GoPro Hero 10 Black मार्केट में लॉन्च करने जा रही है, जो इस साल के अंत तक मार्केट में आ जाएगी। ये एक्शन कैमरा किसको खरीदना चाहिए, किसके लिए सही है, आप क्यों खरीदे? अगर आप प्रोफेशन यूट्यूबर या फिर ब्लॉगर्स हैं या फिर एडवेंचर ट्रैकिंग करते हैं तो आपके लिए Hero 9 Black में काफी कुछ नया होगा। साथ ही फ्रंट LCD डिस्प्ले के साथ साथ पेश किए गए GoPro Hero 9 Black को मल्टीपल यूज जैसे फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। साथ ही वेबकैम और सेल्फी कैमरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी की मदद से इस एक्शन कैमरे से फिल्मों या फिर गानों की शूटिंग की जा सकती है। ऐसे में प्रोफेशनल यूज के लिए GoPro Hero 9 Black एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। दोस्तों, अब GoPro Hero 9 Black के प्राइस के बारे में बात करें तो ये एक्शन कैमरा USA, रसिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया में अराउंड $499 यानी ₹37,000 में सेल हो रहा है। इस कैमरे के साथ दो बैटरी, 32GB का मेमोरी कार्ड, हैंडलर, चेस्टी, हेड स्टेप जैसे कई टूल्स मिल रहे हैं, जबकि इंडिया में ये सभी टूल्स के साथ ₹49,900 यानी $674 में मिल रहा है। अगर आप विदाउट टूल्स यानी नॉर्मल GoPro खरीदते हैं तो ₹38,000 में अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। GoPro Hero 9 Black एक्शन कैमरे के साथ साथ आपको एक बैटरी, सी टाइप चार्जिंग केबल, कार में लगाने का स्टिक मिलता है। दोस्तों, मैंने इस कैमरे को दिल्ली के चांदनी बाजार से
37,250 रुपये में लिया। मैंने GoPro कैमरे के साथ साथ एक एक्स्ट्रा बैटरी लिया जिसका रेट 1900 रुपये, 126 GB का सैंडिक्स कार्ड 1100 रुपये में, GoPro कैमरे का स्क्रीन गार्ड 200 रुपये में और एक एडवेंचर किट 3000 रुपये में लिया जिसमें वन पीस फ्लोटिंग हैंड ग्रिप, हैंडलर, हेड स्ट्रेप माउंट, बिग फ्रंट साइड माउंट, मैग्नेटिक स्वेल क्लिप, हैंड सेल, कैमरा केस, निम्न टूल्स हैं। GoPro Hero 9 Black का उपयोग करना एक बहुत ही परिचित अनुभव है, खासकर यदि आपने पिछली पीढ़ी यानी GoPro 8 मॉडल का प्रयोग किया है। आप व्यू फाइंडर पर बाएं या दाएं स्वाइप करके टाइम लैप्स, वीडियो और फोटो शूटिंग मोड के बीच स्विच कर सकते हैं। एक स्वाइप डाउन जेस्टर वॉइस कमांड आरडी को सक्षम करने के लिए टॉगल स्विच लाता है और सेटिंग मेनू भी। स्क्रीन के नीचे से एक स्वाइप अप आपको GoPro पर वीडियो को देखने की सुविधा देता है। GoPro Hero 9 की कुछ अन्य उपयोगी विशेषताएं हैं जिन्हें अधिकांश मुख्य शूटिंग मोड में सक्षम किया जा सकता है। शेड्यूल कैप्चर आपको Hero 9 Black को रिकॉर्डिंग शुरू करने और बंद करने के समय, शुरू करने और समाप्त करने की भी अनुमति देता है। यदि आप समय के प्रति संवेदनशील घटनाओं जैसे कि सूर्योदय या सूर्यास्त पर कब्जा करने की योजना बनाते हैं तो यह बहुत उपयोगी है। अवधि कैप्चर आपको अपने वीडियो क्लिप के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने देता है जिससे आप रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं और मैनुअल रूप से रोकने के बारे में परेशान नहीं होते हैं। GoPro Hero 9 Black के एक्शन कैमरे को किसी भी शॉप से परचेज करने पर 1 ईयर का वारंटी मिलता है। यदि आप कोई भी टूल्स GoPro ब्रांड का परचेज करते हैं इस पर भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिलता है। GoPro Hero 9 Black बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है लेकिन ये भारत में काफी महंगा है। GoPro का दावा है कि Hero 8 Black की तुलना में 30% बेहतर बैटरी जीवन प्रदान करना चाहिए। Hero 8 Black और Hero 9 Black पर समान सेटिंग के साथ शूटिंग करते समय मैंने देखा कि नया मॉडल आमतौर पर लगभग 15 से 20 मिनट तक चलता है, जो अच्छा है। GoPro की पूर्ण बैटरी जीवन को मापना मुश्किल है क्योंकि यह बहुत सारे कारकों से प्रभावित है, जैसे कि शूटिंग मोड का उपयोग किया जा रहा है, चाहे वाईफाई और GPS चालू हो इत्यादि। हालांकि सामान्य तौर पर आपको लंबे समय तक रहने की उम्मीद करनी चाहिए। हर साल GoPro अपनी मुख्य हीरो लाइन को घुमाता है और सुधारता है और Hero 9 Black निश्चित रूप से अभी तक के सबसे बड़े कैमरों में से एक है। फ्रंट कलर डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और बेहतर रिकॉर्डिंग रेजुलेशन सभी इसे उपयोग करने के लिए थोड़ा आसान और अच्छा बनाते हैं। हालांकि ये बदलाव भारत में एक मजबूत प्रीमियम पर आता है। Hero 9 Black का MRP रेट 49,500 है लेकिन आपको इसे कम ऑनलाइन में ढूंढना चाहिए। दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग GoPro Hero 9 Black एक्शन कैमरे से हो रहा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी और स्टेबिलाइजेशन के साथ है। इसके अलावा GoPro Hero 9 Black बाजार में सबसे अच्छे एक्शन कैमरों में से एक है। ये नेक्स्ट रिकॉर्डिंग मैंने स्वयं किया है, बारिश के दौरान काफी बेहतरीन क्वालिटी और स्टेबिलाइजेशन भी बहुत अच्छा रहा। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग वीडियो बनाते रहूंगा। ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।